हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम यू टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ ग्रीन मार्केट सदर बाज़ार। जैसे कि संडे था और सदर बाज़ार में संडे पटेल बाज़ार लगा था, उसी में ग्रीन मार्केट करके एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छे आपको लहंगे गरारे सेट मिलने वाले हैं। तो पहले मार्केट की टाइमिंग की बात कर लेते हैं। मार्केट लगती है सुबह 7:30 से लेकर दोपहर को 3 PM तक, और नियरेस्ट बस स्टॉप है पहाड़गंज बस स्टॉप, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है रामाकृष्णा मार्ग मेट्रो स्टेशन। हार्डली आपको वहाँ से निकलना है, 10 रुपये में रिक्शा मिल जाएगा। आपको कहना है कि 12 टूटी से पहले जो चौक पड़ता है मुझे वहाँ उतरना है, वहीं लगती है ग्रीन मार्केट कम्युनिटी हॉल के पास। आपको यहाँ पे ग्रीन मार्केट में बहुत अच्छे लहंगे और फैब्रिक और क्या कह सकते हैं गाउन भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। वैसे कि आप इंट्रो में देख ही रहे हैं कि आपको क्या यहाँ पर मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को तो लाइक करेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये मार्केट हार्डली 300 स्टेप्स में लगती है, यानी कि एक गली में लगती है और थोड़ा मोड़ों पे भैया लगाते हैं यहाँ पे शॉप। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये बोर्ड दिखेगा मल्होत्रा प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ आसपास आपको बहुत अच्छी ड्रेसेस मिलने वाली है, वो भी कम दामों में, और आपको बहुत हैवी ड्रेसेस यहाँ मिलने वाली हैं। तो JP ट्रेडर्स के नीचे लगाते हैं हमेशा अयूब भाई के पास आपको बहुत अच्छी ड्रेसेस मिलने वाली हैं। जैसे कि आप ये पीस देख रहे हैं 2800 रुपीज़ में, ये गाउन का सेट था, ये देखिए कितना प्यारा और बहुत ही हैवी था। इसके नीचे डबल कैन लगी हुई थी और इसके पूरे गाउन के ऊपर हैंड से सितारे लगे हुए थे। बहुत ही अच्छा फ्लोरल टाइप का ये गाउन लग रहा था, और ये इसी का कलर था, ग्रीन कलर पेस्टल कलर दोनों थे, बहुत ही प्यारे ये लग रहे थे। ये देखिए फ्लोर लेंथ है, आराम से लंबी लड़की को आने वाला है। ये भी 2800 रुपीज़ का पीस था, पूरे के पूरे गाउन पर हाथ का काम हुआ हुआ था, और पीस देखते ही बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए पिंक कलर पे नीचे तक गाउन पे, यानी कि इसके फ्लेयर पे काम हुआ हुआ था, और इसके अभी फ्लेयर नीचे से देखिएगा, नीचे फ्लेयर भी डबल हुई हुई है। ओवरऑल ये गाउन बहुत अच्छा था और काफ़ी हैवी भी था, हैंगर पे इसे लटकाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। देखिए डबल लेयर नीचे यहाँ पे कर रखी है, काफ़ी स्टाइलिश 3D टाइप में ये गाउन लग रहा था। और ये मैंने आपको गाउन पूरा दिखाने की कोशिश की है, ये इस टाइप का गाउन इसमें लुक आ रही थी। ये 3500 रुपीज़ का काफ़ी स्टाइलिश पीस था, कंटेम्प्रेरी लुक में हम इसे कह सकते हैं। पूरे पे मल्टी कलर सितारे का काम हुआ हुआ था, ये देखिए अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा पीस था। ये वाला लहंगा भी 300 रुपीज़ में था, क्रॉप टॉप लहंगा हम इसे कह सकते हैं, मिरर वर्क में, और काफ़ी अच्छी और सफाई की एक फिनिशिंग की इस पर कढ़ाई हुई थी। रेड कलर तो अपने आप में अच्छा लग रहा था, देखिए पूरा इसका लुक इस टाइप का आ रहा था। इसी का कलर था ग्रीन कलर में 3500 रुपीज़ में, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अलग थी। रेड वाले में मिरर वर्क था और इसमें सितारे यानी कि सितारे से सीक्वेंस का काम हुआ हुआ था, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग का ये पीस था। ग्रीन कलर भी अपने आप में अच्छा लग रहा था। अब आए सेकेंड पीस पे, ये देखिए 3500 रुपीज़ में, ये मिरर वर्क में और हैंड वर्क का इस पर पूरा मोती और कटदाने का काम हुआ हुआ था। बहुत अच्छा पीस लग रहा था, काफ़ी हैवी पीस था, पार्टी वेयर जो कह सकते हैं नाइट वेयर ये था। और इस पर देखिए सितारे का छोटे और बड़े का दोनों का बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग से ये लहंगा बनाया गया है। ओवरऑल इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी आ रही है। वैसे अयूब भाई ना ऑनलाइन भी डील करते हैं, अगर आपको कोई पसंद आता है लहंगा तो आप ना उसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेके अयूब भाई को सेंड कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरी शॉप पे, नूर अली भाई की शॉप बिल्कुल अयूब भाई के बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये देखिए 2500 रुपीज़ में ये पार्टी गाउन था, अपने आप में बहुत प्यारा था ये गाउन। उन्हीं के वेरियंट हैं ये ब्लैक, 3-4 पीस थे, ब्लैक था, रेड था और ग्रीन था। देखिए कितना प्यारा ये पीस लग रहे हैं। और अब दूसरे वेराइटी पे चलते हैं नूर अली भाई की। ये देखिए 3500 रुपीज़ में इतना हैवी लहंगा आपको कहीं नहीं मिलने वाला ग्रीन मार्केट के अलावा, लेकिन आपको इसके लिए सुबह ही आना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही थी उसके 10 मिनट बाद ही ये सेल हो गया था। 3500 रुपीज़ में काफ़ी हैवी पीस था और 3D डिज़ाइन था इसके ऊपर, फ्लावर्स देखिए उभरे हुए बने हुए हैं, और सारे का सारा हाथ का और मशीन का इस पर काम हुआ हुआ है, और नेट का फैब्रिक भी इस पर था, टैसल्स भी इसके साथ लगे हुए थे। देखिए ओवरऑल लुक इस लहंगे का इस टाइप का आ रहा था। नूर भाई भी ऑनलाइन डील करते हैं, आप व्हाट्सएप वगैरह पे भैया से डील कर सकते हैं अगर आपको कोई पीस पसंद आ रहा है तो, अगर बचा होगा तो वो ज़रूर आपको सेंड कर देंगे। ये 3500 रुपीज़ का पीस था और ये बॉल गाउन टाइप का था, काफ़ी हैवी पीस था ये।
वैसे आजकल ना पिंक कलर पेस्टल कलर बहुत चल रहा है, ये कलर काफ़ी इन है। ये 2500 रुपीज़ का 3D लुक में सितारों के काम का हुआ हुआ ये लहंगा सेट है। ये देखिए कितना प्यारा ये सेट है। मैं ओवरऑल आपको वर्टिकल में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ये आता नहीं है वीडियो पूरा उसका गाउन्स का, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया आपको हॉरिजॉन्टल में दिखाने की। 2500 रुपीज़ के अगेन ये गाउन थे, ये थोड़े लाइट लुक में थे, जिसको हैवी नहीं पसंद है वो लाइट वेट में भी ले सकता है या लाइट काम में भी ले सकता है। 2500 रुपीज़ के थे। ये वाला गाउन भी था 2500 रुपीज़ का था। ये देखिए कितना प्यारा अगेन पेस्टल पिंक कलर का है और 3D में ऐसा काम है, फ्लावर ना बाहर उभरे हुए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और नीचे देखिए कितना वेवी इसका फ्लोर लेंथ है, बहुत ही प्यारा ये पीस था। ये देखिए भैया ने उतार के दिखाया, मैंने कहा था 10 में मैं वीडियो बनाई थी उसके बाद ये सेल आउट हो गया था। देखिए मैं उसी टाइम ये वीडियो बनाई थी 3500 रुपीज़ में, ये पीस था मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बुटीक टाइप का ये लहंगा था। मेरे के पास लहंगे के ऊपर कोटे के 100 रुपीज़ में आगे के पार्ट मिल रहे थे। और देखिए कितने अच्छे ये कितने फिनिशिंग काम हुए हुए हैं। देखते देखते भैया ने कह दिया नेक्स्ट वीक नहीं मिलेंगे, मेरा तो ये माल आज ही बिक जाएगा। ओवरऑल बहुत अच्छे ये गले थे। ये देख लीजिए मनोत्रा प्रॉपर्टीज़ के नीचे यहीं पे विको सामने उसी गली में अब्दुल कलाम भाई ने भी लगाए थे। अब्दुल कलाम भाई का इस हफ्ते आपको स्टॉक बहुत अच्छा मिलता अगर आप आते तो, अदरवाइज़ अगले हफ्ते भी कहे थे भैया मैं लेके आऊँगा, लेकिन इस हफ्ते तो उनका स्टॉक बहुत अच्छा था। रेंज एक ही थी 5500 रुपीज़ की, भैया बार्गेन नहीं कर रहे थे। भैया ने कहा बहुत हैवी पीस मैं लेके आया हूँ और सच में बहुत अच्छे यूनिक पीस अब्दुल कलाम भाई के शॉप पर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। देखिए आपको देखेंगे ना आपको खुद ही पसंद आ जाएगा। एक से एक पीस आज आया हुआ था, पार्टी लुक इंगेजमेंट लुक के टाइप के आज ये लहंगे भैया के पास आए हुए थे। मेरा पर्सनल फेवरेट ये वाला है, देखिए कितना अच्छा पीस है, बहुत अच्छा बारीक इस पर काम हुआ हुआ है और इसके अंदर ना देखिए नीचे कटवर का काम हुआ हुआ है, फिश टेल टाइप का यहाँ पे नीचे का इसका प्लेयर है और बहुत अच्छा इसमें लुक आ रहा था। और इस टाइम ना लहंगों में लाइट लाइट कलर बहुत चल रहे हैं, पेस्टल कलर इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इन है, स्पेशली पिंक कलर बहुत इन है। देखिए अगेन एक और 5500 रुपीज़ का सीक्वेंस है काम में ये पीस है और सिकोटी में पूरा का पूरा हैंडवर्क हुआ हुआ है। ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा ये अब्दुल कलाम भाई की शॉप है, बिल्कुल उसी गली में मनोत्रा प्रॉपर्टीज़ के ऑपोजिट वाली गली में आपको ये सारे गाउन वाले भैया मिलने वाले हैं। आपको जिस दुकान से पसंद आए आप ले सकते हैं यहाँ के, लेकिन शर्त वही है आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि फिर ना ये पीसेस बिक जाते हैं, सेल आउट हो जाते हैं। ये देखिए अगेन एक और बहुत नाइस पीस था, देखिए ये भी 5500 रुपीज़ में ये वाला पीस था, कैन कैन सबके नीचे अवेलेबल है और इसके साथ टैसल्स भी लगे हुए थे और काफ़ी हैवी पीस था। ओवरऑल ये देख लीजिए भैया के ये आज का कलेक्शन था अब्दुल कलाम भाई की शॉप का। उनकी बिल्कुल साथ वाली शॉप में अगर किसी को हल्के पीसेस चाहिए गरारे टाइप में तो ये 1650 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा जॉर्जेट प्योर में थे, मतलब ये वो लोकल वाले नहीं थे, ये अच्छे वाले जॉर्जेट में के सूट थे, काफ़ी अच्छे और है लाइट वेट कह सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे सूट थे, डेली वेयर वगैरह में करने के लिए बहुत अच्छे सूट मुझे लगे 1650 रुपीज़ में। भैया ने कहा मैं शॉप यहीं लगाया करूँगा क्योंकि अब सेट हो गया है, ईद के बाद सेट हो नहीं रहा था लेकिन अब सेट हो गया है कि जो जहाँ बैठता है वहीं बैठेगा। बिल्कुल यहाँ पे मनोत्रा प्रॉपर्टी के बोर्ड के आगे गली में कॉर्नर भाई अर्शाद भाई लगाते हैं। ये वाला जो गाउन था 1500 रुपीज़ में था मेरे के साथ और इसे पूरा मशीन कढ़ाई हुआ था, ओवरऑल गाउन बहुत अच्छा था, ज़्यादा हैवी नहीं था। ये 650 रुपीज़ में लहंगा चोली का सेट था, ये कैसे थे टीनेजर्स टाइप के ये लहंगा चोली के सेट थे, ये देख लीजिए मेरे वर्क के साथ थे और हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ। ये भी 650 रुपीज़ में ये गरारा और लहंगा सेट थे, काफ़ी अच्छे सेट थे, ये गोल्डन पे धागे से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये था शैनील पे, शैनील से गर्मी हो रही है कोई पहनता नहीं है, गोटा पट्टी का काम था लेकिन भैया ने लगा रखा था ये किसी को पसंद आ जाए। ये मेरा लुक में ये गाउन्स थे और थोड़े लाइट गाउन्स थे टीनेजर वगैरह के लिए, 1500 रुपीज़ से मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जिन्हें ज़्यादा भारी पसंद नहीं है ना उनके लिए ये गाउन अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये देखिए काफ़ी हैवी काम हुआ हुआ था और ये गाउन्स भी हैवी थे लेकिन उनके मुकाबले नहीं थे लेकिन अच्छे थे अपनी जगह पे, 1500 रुपीज़ में मुझे बहुत अच्छे लगे और काफ़ी सस्ते लगे। ग्रीन मार्केट में अगर आप आएंगे ना आपको फैब्रिक गाउन्स वगैरह कपड़े बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और बहुत सस्ते रेटों में मिलने वाले हैं। अब हम आ गए हैं फिरोज़ भाई की शॉप पर, ये बिल्कुल JPR ट्रेडर्स के नीचे ही लगाते हैं। ये देखिए
नंबर देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। अगर आपने पिछली वीडियोस देखे हुए होंगी ना, तो मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं मिलेगा, पर वो हर हफ्ते मुझे ना यहाँ पे मिल जाते हैं। 2500 रुपये से पहला गाउन था, ये था 4200 रुपये का गाउन, और ये था 3100 रुपये का। बहुत अच्छी फिनिशिंग के अंकल जी के पास गाउन मिलते हैं। अगर आपको ना कुछ सोफिस्टिकेटेड से गाउन वगैरह चाहिए तो आप अंकल जी की शॉप पे ज़रूर आ जाइए। भैया हेवी तो हैवी भी नहीं, सोफिस्टिकेटेड से एलिगेंट से गाउन्स रखते हैं, जो आजकल की लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं कि ज़्यादा हैवी भी ना हो, सोफिस्टिकेटेड हो, एलिगेंट हो और देखने भी अच्छा लगे। इस टाइप के गाउन इनके पास आपको मिलने वाले हैं। तरुण ट्रेडर के बोर्ड के सामने आपको ये मिल जाएंगे। वहीं शॉप लगाते हैं, कभी उधर कभी इधर, लेकिन इसी गली में मिलने वाले हैं। ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिरोज़ भाई कह के आप मिल सकते हैं आराम से। ये हैं फिरोज़ भाई। अब हम आ गए हैं बिल्कुल तरुण ट्रेडर्स के बिल्कुल सामने, अपोजिट आपको गली में ये मिलने वाले हैं महराज भाई। ये कॉर्नर पे ही फैब्रिक लगाते हैं। फैब्रिक की बात करते हैं, 100 रुपीज़ से लेके 180 रुपीज़ में यहाँ आपको आराम से फैब्रिक मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आपके फैब्रिक की बात करें, शैंटून 30 रुपीज़ पर मीटर और टिपर सिल आपको 40 रुपीज़ पर मीटर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ से ही लोग फैब्रिक भी लेते हैं और कपड़ा भी लेते हैं, गाउन वगैरह या किसी को लहंगा बनवाने होता है, तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ये देख लीजिए भैया की शॉप का ओवरव्यू। तरुण प्लास्टिक के पॉट के बिल्कुल ऑपोजिट के भैया आपको मिलने वाले हैं, हर हफ्ते संडे को यहीं मिलने वाले हैं। कार्ड मैंने पहले ही दे दिया है। और ये वाला जो सीक्वेंस का ये कपड़ा था, ये 100 रुपीज़ पर मीटर था, काफ़ी अच्छा कपड़ा, जॉर्जेट में था ये। ओवरऑल भैया की शॉप पर आपको हर तरह का कपड़ा मिलने वाला है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा। और अब आ गए नेक्स्ट शॉप पे हम। यहाँ पे भैया बिल्कुल ऑपोजिट तरुण प्लास्टिक के बोर्ड के आसपास ही ये सारी शॉप्स लगती हैं। यहाँ पे ये 650 रुपये में पूरा सूट दे रहे थे। भैया कहते हैं कि ये स्कून कॉटन है और काफ़ी अच्छे सूट भैया देते हैं, और 650 रुपये में पूरा बहुत हैवी सूट आपका सिल के तैयार होने वाला है। इस टाइप का भैया के पास फैब्रिक रहता है। और जो शॉप पर भैया रहते हैं उनका नाम अयान है, और ओवरऑल सूट मुझे बहुत पसंद आते हैं। कपड़ा काफ़ी हैवी रहता है, अगर फैब्रिक लेके सिलवाएं तो काफ़ी लंबे टाइम तक सूट आपका बना रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था इसी हफ्ते, 550 रुपये में ये पूरा सूट था। ये कलर वेरिएंट हो गया, इसके साथ दुपट्टा भी था। वैसे दुपट्टा अवेलेबल रहता है, इस हफ्ते भैया ने लेके आए थे कि ये दुपट्टा था, वो सूट दिखाया ना मैंने, ये दुपट्टा है और ये इसके साथ का सूट है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी भारी अच्छा सूट मुझे लगा। 450 रुपये में ही देखिए आपको यहाँ पे सूट मिल जाएगा आराम से। ये वाला सूट 450 रुपये का था, भैया ने कहा हैवी से हैवी लेटी, अगर हैवी से हैवी लेटी होंगे तो हम 2.5 मीटर भी देंगे। ये स्कून कॉटन में ही 200 मीटर्स में सीक्वेंस है काम का ये कपड़ा था। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला फैब्रिक, काफ़ी नरम था और चुभ भी नहीं रहते किसी तारे, बहुत अच्छे थे। और ये वाला सूट 550 रुपये में मिलने वाला है। इसकी सलवार प्रिंट रहेगी और पूरी कमीज़ पर एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का काम रहने वाला है। ओवरऑल सूट बहुत ही अच्छे थे भैया जी की शॉप पर। ये अयान है जो इस शॉप पर आपको मिल जाएगा। वहाँ गए नेक्स्ट शॉप पर, अयूब भाई की गली के सामने ही बिल्कुल। ये भैया फैब्रिक दे रहे 320 रुपीज़ पर मीटर में, ये सीक्वेंस का फैब्रिक था, नेट बहुत ही सॉफ्ट थी, नेट पे के सारा काम था। ओवरऑल मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद है। 350 रुपीज़ में कितना भरा हुआ है ये फैब्रिक था। अगर इसका लहंगा वगैरह बना जाए बहुत ही प्यारा मिलने वाला है, एकदम स्पार्कलिंग लहंगा पहन के तैयार होने वाला है इस फैब्रिक में, और काफ़ी सस्ता भी। भैया जी के पास ना ये कलेक्शन था, फिर भैया ने कहा कि वीडियो नहीं बनानी है, ये देख लीजिए इस वाले बोर्ड के नीचे ये बैठते हैं। 250 रुपये मीटर की नेट थी, काफ़ी हैवी नेट थी और 1 मीटर का ही पना था। उन कपड़ों का जो पहले वाले में नेट दिखाई है उनका 2.5 मीटर पना रहने वाला है। अब हम आगे इस तरह की शॉप पे इसी मोड़ के सामने महोत्र प्रॉपर्टीज़ के बोर्ड के नीचे आपको मिलने वाले हैं। 850 रुपये की सेल लगा रही थी, कोई सा भी पीस लीजिए 850 रुपये। ये पिंक वाले लहंगे, ये लहंगे का सेट है, क्रॉप टॉप लहंगा कह सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सीक्वेंस के काम में, इतना हैवी भी नहीं था, इतना लाइट भी नहीं था, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत अच्छे लगे भैया जी के शॉप पे। 850 रुपये मुझे काफ़ी कम लगे इन लहंगों के हिसाब, मुझे लगा 1250 रुपये की अंकल जी ने सेल लगा रखी होगी, लेकिन 850 रुपये की सेल थी। अशताक भाई कह रहे थे मैं व्हाट्सएप पर डील करता हूँ, अगर आपको कोई पीस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप स्क्रीन शॉट भेजिए, वो कुरियर करेंगे आपको। बाकी अगर आपको कोई पीस पसंद आता है तो आप डील कर सकते हैं डायरेक्टली उनसे। और ये जो ग्रीन वाला पीस मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ ना, वो था सिर्फ 1250 रुपये का भैया के शॉप पे, बाकी सारे के सारे पीसेस ये वाला 1250 का था, अदरवाइज सारे पीसेस भैया के शॉप पे 850 रुपये के ही थे। और बहुत अच्छे पीसेस मुझे लगे। ये था 1000 रुपीज़ का, ये था क्रॉप टॉप और उसके साथ श्रग था विदाउट स्लीव्स,
ओवरऑल इस पर पूरे के पूरे पे हाथ का काम हुआ हुआ था। आपको ग्रीन मार्केट में ना बहुत अच्छे लहंगा सेट्स या फिर गरारा सेट्स या पार्टी वेयर ड्रेसेस आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा। ये थे स्टैग भाई, जिनके पास फैब्रिक वगैरह भी बहुत अच्छा था, 50 रुपीज़ मीटर में ये नेट वगैरह थी, और शेंटून 20 रुपीज़ मीटर, इतना सस्ता शेंटून आपको ग्रीन मार्केट के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। अगर चाहिए तो प्लीज़ आप आके विज़िट कर सकते हैं, बुटीक वाले तो वैसे यहीं से लेके जाते हैं। ये एक और शॉप बिल्कुल इस टाइप के ऑपोजिट लग रही थी। नेक्स्ट वीक ये आपको मिल सकते हैं गाउन, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई। 2600 रुपये में गाउन थे, डबल कैन कैन के साथ, बहुत हेवी गाउन थे, और सीक्वेंस का काम ही आप खुद ही आप देख सकते हैं, मैं क्लोज दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल क्लोजली। बहुत अच्छे अच्छे इसमें कलर थे, और सबसे कलर मुझे अच्छा जो लगा है ना वो सिल्वर ही लगा है, मुझे कोई और अच्छा कलर अच्छा नहीं लगा है। देखिए कितना अच्छा इसके नीचे का फ्लोर लेंथ तक का ये गाउन था। मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे इसके पूरा का पूरा लुक कैसे आ रहा है, सॉरी इसके वीडियो को टिल्ट करने के लिए, पर मैं दिखाना चाहती थी गाउन की लेंथ कितनी है और कितना अच्छा लग रहा है ये गाउन। देखिए इसमें ब्लैक कलर था, सिल्वर कलर था, ब्राउन कलर था। गाउन वाले भैया ने 350 रुपये में सेल लगा रखी थी बच्चों के कपड़ों की, बहुत अच्छे ये कपड़े थे। छोटे बच्चों का कुर्ता पजामा सेट तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, देखिए कितने प्यारे थे कुर्ते पजामा सेट है, टोच के साथ थे, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था। और देखिए एक जोड़ा तो मैं भी लेके आई हूँ, ये वाला पिंक वाला लेके आई, मैं ऑरेंज नहीं लेके आई हूँ। और जो पैंट शर्ट थी ना उसमें साइज़ अगर बात करें तो 30 साइज़ तक था, यानी कि 350 रुपये में बहुत अच्छा सेट था। ये देखिए शर्ट्स के सेट भी ब्रोच के साथ बहुत अच्छे थे भैया के पास, ये देखिए ओवरऑल 350 रुपये में काफ़ी सस्ते मुझे कपड़े लगे। इन भैया के शॉप पे कुछ ना कुछ आता रहता है, कभी शर्ट्स आती हैं, इस बार ये कोट पैंट और ये थे कुर्ता पजामा सेट्स। थोड़ा सा आगे चलिए तो आलू करके एक शॉप थी, उसके आगे भैया ने यहाँ पे इस टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे बटन की शॉप लगाई थी। ओवरऑल भैया के पास बहुत अच्छे बटन थे, ये 10 रुपीज़ का था। स्टार्टिंग की बात करें तो 1 रुपये का से स्टार्ट हो गए, 50 रुपये तक का बटन भैया के पास था, ये भी 10 रुपीज़ का पीस था। ये वाला था 20 रुपीज़ का, आप इसे पेन लगाइए तो आपके साड़ी के लिए ब्रोच आराम से रेडी हो जाएगा, कितना प्यारा पीस था ये वाला। तो भैया ने फर्स्ट टाइम यहाँ शॉप लगाई थी, नेक्स्ट वीक नहीं लगाने वाले हैं, भैया ने मना कर दिया था। और ये वाला था 10 रुपीज़ का अगेन पीस, ये 20 रुपीज़ का था, देखिए कितना प्यारा बटन था और ये लटकन के साथ था। मैंने कहा ना अगर पीछे पिन लगा लेंगे तो आराम से आपका एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो जाएगा। 1 रुपये का ये वाला बटन था, 1 रुपये का एक पीस भैया ये दे रहे थे, काफ़ी बिक्री हो गई थी भैया, खोलते ही एकदम बटन बिक रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत हेवी बटन थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे, वो इस बार मैंने देखे। बुटीक वाले यहाँ पे ज़्यादा आते हैं ग्रीन मार्केट में, ये देखिए ये नेट पे यहाँ पे 3D टाइप में ये बटन था, ये सिलाई करने वाला नहीं, चिपकाने वाला बटन नहीं था, सिलाई करने वाला ये बटन था। अगेन देखिए ये वाला कितना प्यारा बटन है, ये 20 रुपीज़ का पीस था। ओवरऑल भैया के पास ना बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे बटन थे, स्पेशली मुझे ये वाला पसंद आया था कि 50 रुपीज़ का था, ये गाउन वगैरह पे चिपकाने के काम आते हैं, और एक बार सिलाई करते हैं तो 3D लुक में आपका एक पार्ट तैयार हो सकता है गाउन में। 200 रुपीज़ में ये इस बार भैया ने लगाए थे बनारसी दुपट्टे, वीडियो ज़्यादा बनाने नहीं दी। आरबी ट्रेडर्स के नीचे बोर्ड के नीचे यानी ग्रीन मार्केट में एंट्री करेंगे बिल्कुल राइट हैंड साइड के फर्स्ट कट पे सेकंड शॉप ये वाली है। भैया के पास 200 रुपये में ये शॉर्ट कुर्तियाँ मिलती हैं, और जो अम्ब्रेला कुर्तियाँ होती हैं वो 350 रुपये मिलती हैं, और बाकी आपको 200-250 बीच की जो मीडियम रेंथ रहती है वो 250 रुपये की रहती है, बीवाई कुर्ती थी ये वाली, और काफ़ी महंगी कुर्तियाँ रहती है, टैग के साथ आपको मिलने वाली है, पुरानी नहीं होती हैं ये सारी कुर्तियाँ, नई होती हैं, टैग के साथ मिलने वाली हैं, और काफ़ी हाई रेंज की रहती है, लेकिन ये लॉट का माल होता है तो आपको यहाँ सस्ता मिल जाएगा आराम से। अगर फ्रेश का माल चाहिए तो बस सुबह आ जाइए, अच्छा माल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं तो छट जाता है माल दोपहर तक, तो काफ़ी यहाँ से लेडीज़ लेके जा चुकी होती हैं, डिज़ाइंस देख लेते हैं आप कुर्ते के नीचे, पहले ही कुर्तियाँ देख, कितनी प्यारी प्यारी हैं ये। आरबी ट्रेडर्स के नीचे भैया आपको यहाँ मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी कुर्तियाँ आपको यहाँ मिलने वाली हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। अब बिल्कुल उनके सामने 10 रुपीज़ में ये टैसल्स मिल रहे थे, एक 10 रुपये का था टैसल, वैसे सदर बाज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये का मिल रहा था, मैं सोचा कवर कर लूँ, ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। ये देखिए 10 रुपीज़ में अगेन, कुछ ख़राब थे कुछ सही थे, आप यहाँ से सही वाले देख के लेके जा सकते हैं, छाटने के लिए ये लोग मना नहीं करते हैं। अब बिल्कुल आरबी ट्रेडर्स के सामने वाली गली में ही, जो मैं कुर्ते वाले भैया बताया ना उनके ऑपोजिट वाली गली में ही, बिल्कुल ये 400 रुपये में पूरा सूट मिल रहा था, कॉटन के सारे सूट थे, काफ़ी अच्छा कपड़ा भैया का रहता है, और ये देख लीजिए प्रिंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और कलर भी सारे के सारे समरिश थे। भैया स्टोल भी सेल कर रहे थे 50-50 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छे स्टोल थे प्योर के।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ आपको ना पसंद आया तो भी कमेंट बताइएगा, अच्छा लगे तो भी कमेंट बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना ही है आपको। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।